आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। युवाओं को गुमराही की थीम पर आधारित फिल्म खेल खल्लास का रविवार को मिगलानी सेलिब्रेशन में प्रमोशन किया गया। फिल्म में मुख्य किरदार में नजर आने वाले कटघर पंचपेड़ा में रहने वाले प्रमोद शर्मा ने बताया कि ये फिल्म पूरे भारत में 31 मई 2019 को रिलीज होगी। फिल्म में जैक का किरदार निभाने के साथ ही कॉमेडियन के रूप में भी दिखाई दिया है। प्रमोद शर्मा ने बताया कि वे 2005 से मुंबई में बतौर एक्टर संघर्ष करते रहे, उन्हें यहां पहला लीड रोल मिला है। एक्टिंग से उनका लगाव ही उन्हें आज यहां तक लाया है। प्रमोद शर्मा पीपलसाना में ज्वेलरी शॉप भी चलाते हैं। इस फिल्म में सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपना मीडिया परिवार को कि जिन लोगों ने अपना प्यार दिया और अपना आशीर्वाद जो है हमारे प्रमोशन में आकर के हम लोग सभी हमारी टीम को आशीर्वाद दिया। सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आपने अभी पूछा है कि फिल्म खेल खल्लास का रीजन क्या है या ऐसा इसमें क्या है कि जो पसंद आए, तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी फिल्म खेल खल्लास एक रोमांटिक लव स्टोरी है और इसमें सस्पेंस जो है वो दिया है। एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म है जो दर्शकों को एक दशक के बाद देखने को मिले। एक्चुअली क्या है, खेल खल्लास जो हमारी फिल्म है इसमें एक किरदार है जैक। जैक एक ऐसा मतलब कॉमेडियन भी है और इसमें ड्रिंकर भी है और लव कपल्स भी है। एक साथ हमने जो है तीन अदाकारी निभाई है, तीन इसमें हमने रोल निभाए हैं, तो दर्शकों को जो है ये जैक का जो किरदार है जो कि मैंने प्रमोद वर्मा ने जो है प्ले किया है और मैं एक छोटे से शहर मुरादाबाद का रहने वाला हूँ और मैं अपना नाम रोशन करने के लिए जो है हमेशा इस तरह के प्रयास करूँगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट में मैं अपना जो है मुरादाबाद का नाम रोशन करूँगा। केवल कोऑपरेट किया गया है, मतलब एक मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए जो है हमने बहुत ही अच्छा प्रयास जो है किया है। एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो ऑडियंस है, जो जितने हमारे श्रोता हैं, उनको एक ऐसी कहानी की जो तलाश रहती है जो कि कुछ अलग हो और अब से पहले जैसी की फिल्में जो है आती रही हैं, तो उसी की तरह जो हमारा ये प्रोजेक्ट है कुछ लोगों को दिल को छूने वाला प्रोजेक्ट नहीं टारगेट। इसमें क्या अपने अपना अपना भविष्य को टारगेट इसमें जो है किया गया है और एक ऐसी थीम पे जो हम लोगों ने काम किया है कि दर्शकों को एक असमंजस में जो है ना एंड तक डाले रखेगी और उनको अपने से जो है वो जोड़े रहे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दर्शकों को बाकी की फिल्मों से जो है एक अलग इसका नज़रिया जो है मतलब बनाए और इसको इतना जो है इतना इसमें जो है अपना योगदान दें कि हमें जो है यहाँ से प्यार मिले और मुरादाबाद से, जैसे कि हमने मुरादाबाद के लिए कितनी मतलब अपनी अपने जीवन का जो योगदान दिया, इंडस्ट्री जो है हमने अपनाई है, तो हम चाहते हैं जिस तरह हमने अपने मुरादाबाद के लिए अपना जो है त्याग किया है, अपने परिवार का भी त्याग किया है, तो इसी तरह जो है अपना कुछ पलों का त्याग हमारे मुरादाबाद की जो आवाम है वो अपना थोड़ा सा प्यार दे और हमारे लिए अपना थोड़ा सा समय दे करके थिएटर जाए, जिससे कि हमें लगे कि हमारा प्रयास एक बदलते हुए समाज का प्रयास, एक एकता एक एकता कायम करने के लिए जो समाज के लिए हमने अपना मतलब ये इतना बड़ा त्याग किया है, तो क्या समाज भी हमारे लिए कुछ पलों का त्याग करके थिएटर तक जाएगा। मूवी हमारी अभी 31 मई के लास्ट में जो है रिलीज होगी। सभी दर्शकों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि एक स्टार कास्ट में जो जब एक एंट्री होती है वो उसके मतलब उसकी काबिलियत से होती है,
तो ये हमारे एक जीवन का आचरण भी है कि हमने अपने जीवन में मतलब कैसा किरदार निभाया। सबसे पहले तो अपने परिवार में हमने कैसा किरदार निभाया, अपने अपने घर में हमने कैसा किरदार निभाया, ये सारे किरदार जो है हम अपने मतलब जीवन में अपने अपने आस पड़ोसी मतलब लोगों के बीच में हमने कैसा स्वभाव रखा या मतलब कैसा हमने जो है सभी लोगों से अपना मतलब आचरण रखा, तो उसके आधार पे जो है हमें आगे इसी तरह के मुकाम जो है वो मिलते चले जाते हैं, जिसकी कि हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, वो हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन सबसे पहले हमें जो है एक अच्छा नागरिक बनना है, तभी हमें जो है हमारे जो भी हमारी सोच होगी वो हमारी गॉड गिफ्टेड जो है, हमने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा जीवन में हमारे समय आएगा।